हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज चलिए चलते हैं किचन में, बनाते हैं स्पंजी सॉफ्ट ढोकला। तो उसके लिए सबसे पहले हमने एक कप बेसन लिया है और उसी के अकॉर्डिंग 1/4 हमने सूजी डाली है, इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली है और थोड़ी चीनी डालेंगे इसमें। और थोड़ा नमक डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा हमें पानी डालते रहना है। एकदम ज़्यादा पानी नहीं डालना, एकदम पतला नहीं करना है इसको। धीरे 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 थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें मिलाएंगे और चलाते रहेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। देखिए और थोड़ा सा हमने इसमें लेमन जूस डाला है आधी चम्मच, और इसको आधे घंटे के लिए हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे, जिससे कि हमने जो सूजी डाली है वो फूल जाए। अब इसमें हम इनो डालेंगे। एक कप आपने बड़ा एक कप कॉफ़ी कप मग लिया है, तो उसमें आप एक कप बेसन लिया है तो उसमें एक इनो पूरा डाल दें और इसको अच्छे से फेटेंगे। और इनो डालने के बाद हमें बहुत देर तक रखना नहीं है, तुरंत जिसमें भी हमें ढोकला बनाना है उसी मोल्ड में डालेंगे। और मोल्ड में हमें ऑयल ग्रीसिंग कर लेनी है। इसमें मैंने ऑयल लगा लिया है। अभी हम ये बैटर इसमें डालेंगे। हमारा जो बैटर है ये ना बहुत पतला होना चाहिए ना गाढ़ा होना चाहिए। अब इसको अच्छे से सेट करके हम रखेंगे। मैंने पानी गर्म करने के लिए पहले रख दिया था, इसमें हमें स्टीम लगाना है। फुल गैस पे मैंने पानी रखा हुआ है, वो उबल गया है और इसको हम ढक देंगे। अब 15 मिनट के लिए हम इसको बंद करके रख देंगे। और ढोकला के लिए जो स्पेशल पानी तैयार होता है, खट्टा मीठा पानी, अब हमें वो तैयार करना है। उसके लिए हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है। थोड़े सरसों के दाने डाले हैं। इसको अच्छे से चटकने देंगे। अब ये चटक गए तो हमने इसमें 2 चम्मच चीनी डाली है और 4 कटी हुई हरी मिर्च डाली है। और 1 कप हमने पानी डाल दिया। अब इसको अच्छे से पका लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाला है मैंने इसमें। इसको अच्छे से चलाएंगे। हमें इसे बहुत गाढ़ा नहीं करना है, बस 1-2 उबालें आने तक चलाना है इसको। अब हम ढोकला भी देख लेते हैं तैयार हुआ है या नहीं। देखिए, अगर हमने जो ये डाला है सिलाई, अगर इसमें ये चिपक के आता है तो इसका मतलब ये कच्चा है, लेकिन अभी भी कुछ चिपका हुआ दिख नहीं रहा, इसका मतलब ये पक चुका है। देखिए बिल्कुल एकदम रेडी हो चुका है। फिर भी हम इसको 2 मिनट के लिए
रख देते हैं ढक के। अभी हमारा ढोकला का जो खट्टा मीठा पानी है ये भी तैयार हो चुका है और ढोकले की फ्लेम हमने जो है बंद कर दी है और 2 मिनट में इसे खोल लेंगे। देखिए काफ़ी फूल गया है हमारा ढोकला, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, स्पंजी लग रहा है एकदम। अभी आपको निकाल के दिखाते हैं कैसा दिखेगा ये, देखिए वाव, बहुत ही स्पंजी ढोकला तैयार हुआ है। अभी हमारा पानी जब ठंडा हो जाएगा, जो हमने पानी तैयार किया है, ठंडा होने के बाद इसमें हम 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद डालेंगे तो ही ठीक है, वरना अगर गरम गरम में आप डाल देंगे तो नींबू जो है वो कड़वा हो जाता है। अब देखिए हम इसको कट करेंगे, देखिए कितना फ्लफी स्पंजी बना है हमारा ढोकला, देखिए जालीदार तैयार है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसको गार्निशिंग के लिए हमने हरा धनिया डाला है। अब जो हमने जो पानी तैयार किया था वो डालेंगे धीरे धीरे, जिससे ये पानी को अंदर तक सोख ले और एक बहुत अच्छा स्पंजी ढोकला तैयार होगा ही, टेस्टी। जो इसका पानी होता है खट्टा मीठा पानी, उससे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। देखिए बिल्कुल लग रहा है एकदम बाजार जैसा ढोकला, आप भी बनाइए घर में और देखिए, बिल्कुल बाजार जैसा ढोकला आप घर में बना सकते हैं। देखिए बहुत ही स्पंजी है और बहुत टेस्टी बना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अच्छा लगा हो तो लाइक करें।